आज की लिस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट आईएमडीबी रेटिंग वेब सीरीज का पार्ट 2, जिसमें भाई सिर्फ दुनिया की सबसे बेस्ट वेब सीरीज होंगी। अगर नहीं देखे होंगे तो भाई मिस ना करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कराइए हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे। और हाँ, इसके प्रीवियस पार्ट को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई उस लिस्ट में भी दुनिया की सिर्फ हाईएस्ट आईएमडीबी रेटिंग वेब सीरीज को ही जगह मिली है, तो जरूर देखिएगा। नंबर 7 की सीरीज भाई सीधा आपकी इमोशंस को हिट करेगी। एक माँ की बेबसी और लाचारी देखकर भाई आपको लिटरली उन पर तरस आने लगेगा। इनकी इमोशंस इतनी टाइट है कि भाई आपको कई जगह पे रुला जाएगी। हम बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से 21 की 8.4 आईएमडीबी रेटिंग के साथ मेन स्टोरी भाई एक माँ की है जो अपने पति से तंग आकर अपने बच्चे को लेकर आधी रात में घर से निकल आती है। बेबस और लाचार इस बेरहम दुनिया में अपने बच्चे का सही परवरिश करने के लिए बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक मेड का काम मिलता है। सीरीज हमें इनकी पूरी स्ट्रगल लाइफ को इमोशनल वे में हमें दिखलाती है। इनकी अपनी प्रॉब्लम, अपने माँ के साथ किस तरह के रिलेशन, ये सब हमें भाई जिस तरह से दिखलाती है पूछो मत। भाई सीधा हिट करती है और सीरीज में पूरी क्रेडिट भाई लीड एक्ट्रेस को जाता है। क्या ही इन्होंने एक्टिंग की है यार, सीधा दिल पे लगती है। जरूर देखिए, नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 की सीरीज, अगर आपको रॉयल फैमिली उनकी पॉलिटिक्स हिस्टोरिकल बायोग्राफी ड्रामा टाइप सीरीज देखना चाहते हैं तो भाई यकीन मानिए इसके जैसा कोई और नहीं। 2016 से टोटल 6 सीजन बायोग्राफी ड्रामा हिस्ट्री 8.6 आईएमडीबी रेटिंग के साथ द क्राउन। स्टोरी इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की है। उनकी पूरी लाइफ अप्स डाउन राइज एंड फॉल यूनाइटेड किंगडम की महारानी बनने के बाद की स्टोरी दिखलाई है, जहां एक महारानी बनने के बाद उन्हें किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, इनके पीछे की पॉलिटिक्स, ये सब सीरीज में भाई एक एक चीज आपको बारीकी से देखने को मिलेगी। हर एक कैरेक्टर की परफॉर्मेंस अपनी अपनी जगह पे टॉप क्लास की, खासकर क्लेरी फॉय जिन्होंने एलिजाबेथ सेकंड की कैरेक्टर को निभाया है, गजब का यार। धीरे धीरे करके इनसे आपको प्यार हो जाएगा। एक बार भाई थोड़ी पेशेंस रख कर इस सीरीज को देखना स्टार्ट करो। नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की कॉमेडी सीरीज में अगर सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ सही टाइमिंग पे कॉमेडी किसे कहते हैं, 2017 से टोटल 5 सीजन कॉमेडी ड्रामा 8.7 आईएमडीबी रेटिंग के साथ द मार्वेलियस मिसेस मेसेल। 1915 में स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में किसी को पता तक नहीं था। उस समय कैसे एक हाउसवाइफ दो बच्चों की माँ स्टैंड अप कॉमेडियन बनती, ये सीरीज इतने परफेक्ट तरीके से हमें दिखलाती है कि ये मिशेल की कैरेक्टर आपकी फेवरेट कॉमेडियन में से एक बन जाएगी। भाई एक अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर फुल इंटरटेनमेंट के साथ एक कॉमेडी सीरीज देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को देखो। प्राइम वीडियो पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 की सीरीज मार्वल की तरफ से हर एक सुपर हीरो फैंस के लिए। मार्वल की तरफ से 2015 की टोटल 3 सीजन साईफाई ड्रामा 8.6 आईएमडीबी रेटिंग के साथ डेयरडेविल। बचपन में हुए एक हादसे की वजह से हमारे हीरो अंधे होने के बावजूद भी दिन में तो एक लॉयर का काम करते हैं, वही रात में डेयर डेविल बनकर क्रिमिनल से लड़ते हैं, जो देखने में भाई मजा बहुत आने वाला है। खासकर वो लॉयर से रात में डेयर डेविल का ट्रांसफॉर्मेशन एकदम खतरनाक भाई। हर एक कैरेक्टर की एक्टिंग एकदम टॉप नॉच लेवल की, खासकर इसके विलन जो आपको प्रिडिक्ट नहीं करने देती कि आखिर विलन है कौन, जिसका मकसद है कुछ बड़ा। ये सारी कॉम्बिनेशन इसके कैरेक्टर ने हमारे सामने इस तरह से रखा है कि भाई एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देती। इसके डायरेक्शन के साथ इनकी स्क्रीन प्ले इतनी टाइट है कि भाई आप एक के बाद एक इसके सारे सीजन देख डालोगे। सीरीज डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 की सीरीज उन सभी के लिए जिन्हें पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज देखना पसंद है, इस लेवल का कोई और नहीं। पॉलिटिक्स की दुनिया में भाई आपको मास्टर डिग्री करा जाए। 2013 से टोटल 6 सीजन नेटफ्लिक्स की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज में से एक। 8.7 आईएमडीबी रेटिंग के साथ हाउस ऑफ कार्ड्स। सीरीज में हर एक चीज देखने को मिलेगी, बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स, उनके बड़े बड़े प्रॉब्लम, उनमें पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स, बनी बनाई लाइफ स्टाइल जनता के सामने सबसे बेस्ट हो पर आप ऑफ स्क्रीन भले ही सबसे बड़े चूतिया क्यों ना हो। इनफैक्ट भाई ये सीरीज अमेरिकन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से नंगा कर कर रखा है, जिसमें सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है हर एक कैरेक्टर की एक्ट टॉप लेवल की, उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिस तरह से हमारे सामने रखा है कि एकदम माइंड ब्लोइंग। अगर आप अमेरिका की गंदी पॉलिटिक्स को देखना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा इस ड्रामा सीरीज को। हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज भाई धीरे धीरे कर आपके दिमाग पे इस लेवल पे चढ़ेगी कि इसके लीड एक्ट्रेस सीरीज में आपको हिप्नोटाइज कर लेगी एक स्लो पॉइजन की तरह। हम बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से हिस्टोरिकल ड्रामा 8.5 आईएमडीबी रेटिंग के साथ द क्वीन गैम्बिट।
आई सीरीज में बेथ हार्मन की बचपन से चेस के प्रति पागलपन को दिखलाया है और इस लेवल पे दिखलाया कि भाई पूछो मत। सीरीज को आप देखना स्टार्ट करें। आनिया टेलर की एक्टिंग ट्रस्ट में यार आपके एक एक रगों में घुस जाएगी। नेटफ्लिक्स की क्लास लेवल हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, जरूर देखिए। नंबर 3 की सीरीज यार इतनी दर्दनाक और हैवानी तरीके से किसी को कैसे कोई सजा दे सकता है, एकदम खतरनाक था। 2006 से 1 या 2 नहीं टोटल 8 सीजन क्राइम मिस्ट्री ड्रामा 8.7 IMDb रेटिंग के साथ डेक्स्टर। मॉर्गन जो कि कहने के लिए तो एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करता है, पर भाई उनके अंदर 2 इंसान हैं, जिसे मॉर्गन डेक्स्टर सीरियल किलर के नाम से जानते हैं। इतनी खतरनाक तरीके से सजा देता है कि भाई आपकी रूह तक कांप जाएगी। एक ऐसे सीरियल किलर जो लोगों के दिलों में रहता है। ये डेक्स्टर की कैरेक्टर भाई अमेरिका में फेवरेट सीरियल किलर कैरेक्टर में से एक है। एक सीरियल किलर किसी की फेवरेट कैरेक्टर कैसे हो सकता है? और यकीन मानिए भाई, ये सीरियल किलर होने के बावजूद भी ये डेक्स्टर की कैरेक्टर आपकी भी फेवरेट होने वाली है। जरूर देखिएगा, सीरीज इंग्लिश में प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 2 पे है हमारी इंडिया की कंटेंट, वो भी ट्रू स्टोरी बायोग्राफी के साथ। जी हाँ भाई, हम बात करें ट्रिनिटी की क्राइम ड्रामा बायोग्राफी के साथ स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सके, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना। स्टोरी 1992 में स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट में भारतीय शेयर बाजार घोटाले पे बेस्ड है। भाई ट्रू स्टोरी को लेकर ना इसके क्रिएटर ने भाई इस तरह से हमारे सामने रखा है कि प्लॉट फील होता है। कैसे हर्षद मेहता एक आम आदमी लोअर मिडिल क्लास से स्टॉक मार्केट में राजा बनता है, ये सब भाई एकदम प्योर एंड परफेक्ट तरीके से दिखाया है। हर एक चीज रियल दिखाने की कोशिश की है, खासकर वो हर्षद मेहता की एक्टिंग, जिस तरह से वो लोगों को कन्विंस करते हैं, गजब का कॉन्फिडेंस है यार। जरूर देखिए ऐसी मास्टरपीस इंडियन सीरीज को, सोनी लिव पे अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की सीरीज यार इसके बारे में बताने का जरूरत नहीं। अगर आपने अभी तक ऐसी मास्टरपीस सीरीज को नहीं देखा तो भाई वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी सीरीज को आप एक्सपीरियंस ही नहीं किया। बिना रिव्यू सुने ऐसी सीरीज को देखना स्टार्ट करिए, आपको कहीं पे भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। सीरीज की हर एक कैरेक्टर आपके दिमाग में घुस जाने वाली है। जी हाँ भाई, हम बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से मोस्ट पॉपुलर मोस्ट वॉचेबल 2017 की टोटल 5 सीजन क्राइम ड्रामा थ्रिलर 8.2 IMDb रेटिंग के साथ मनी हाइस्ट। नहीं देखे तो अभी जाकर देखिए, नेटफ्लिक्स की क्लास लेवल हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 1 की सीरीज भाई पहले बता दें, ये सीरीज हर किसी के लिए नहीं, खासकर उन्हें जिन्हें ड्रामेटिक चीजें देखना पसंद है। स्पेस टाइम साइफाई एडवेंचर फैंस के लिए कोई सिलेबस से कम नहीं। हम बात करें नेशनल जियोग्राफी की तरफ से 2014 की डॉक्यूमेंट्री सीरीज सिद्धा 9.3 IMDb रेटिंग के साथ कॉस्मोस स्पेस टाइम ओडिसी, ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर अनंत तक की जर्नी, जहां पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक की इस छोर से उस छोर तक की हर एक चीज आपको देखने को मिलेंगी, साथ में बैक स्टोरी भी, जीवन से लेकर मृत्यु के बाद की जीवन, और हर एक साइंटिफिक रीजन के साथ, जो इस सीरीज की सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। अनन्या भाई जिस तरह से इसके सिनेमेटोग्राफी हमें दिखलाया, एकदम रियल वाला फील कराती। अगर आपको साइफाई स्पेस एडवेंचर टाइप सीरीज देखना पसंद है तो यकीन मानिए ये सीरीज आपके लिए कोई ट्रीट से कम नहीं। ये मिनी सीरीज पार्ट वाइज फ्री में हिंदी डबिंग के साथ यूट्यूब पे अवेलेबल है, जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आइए हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।